मास्टर शेखर ने जल्दी से अपने टीचर की ओर देखा और उन्होंने देखा कि उनके टीचर अपने कांपते पैरों पर लड़खड़ा रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उनके सीने में दर्द हो रहा हो। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। गोंग जी, मैं अपने दिल से ये गिफ्ट आपको दे रहा हूँ, इसमें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। श्रेष्ठ, मेरे साथ इतना विनम्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है। विनीत ने ज़िद की, 500 सोने के सिक्के अभी भी मेरे पास हैं। मास्टर शेखर का मुंह खुला का खुला रह गया, ये जानते हुए कि अगर वे इस मामले पर झगड़ते रहेंगे तो वे ज़रूर विनीत की बातों से मर ही जाएंगे। बुजुर्ग ने सोने के सिक्कों को लेने का फैसला किया। मैं देख सकता हूँ कि आप मूल्यांकन करने में बहुत अच्छे हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका टीचर कौन है? क्या वह भी एक अप्रेजर मास्टर है? मास्टर शेखर तुरंत और ज़्यादा सतर्क हो गए, ये देखते हुए कि सामने वाला एक समस्या का पता कैसे लगा सकता था जिसे उसके टीचर भी नोटिस नहीं कर सके और मूल्यांकन में उसकी महारत भी बहुत ज़्यादा लेवल तक पहुँच गई थी। ऐसे व्यक्ति का टीचर एक महान एक्सपर्ट होना चाहिए। वह यह जानने के लिए उत्सुक थे कि कौन सा ग्रैंड मास्टर विनीत का टीचर था। मेरे छोटे मास्टर विनीत एक मास्टर टीचर हैं और उनके टीचर मास्टर इंद्रसेन हैं। मोहन ने आगे कदम बढ़ाया और गर्व से इंट्रोडक्शन दिया। मास्टर टीचर, ये सुनकर बुजुर्ग एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया और सामने वाले के लिए उनका सम्मान और भी बढ़ गया। दूसरी ओर मास्टर शेखर के होश उड़ गए। अगर उन्हें पता होता कि सामने वाले की इस तरह की पहचान है तो वह शुरू से ही उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत ना करते। भले ही अप्रेजर मास्टर सबसे अट्रैक्टिव प्रोफेशंस में से एक था, फिर भी यह मास्टर टीचर की बराबरी नहीं कर सकता था। यह बिल्कुल एक सरकारी ऑफिसर और एक नए धनी की तरह था। कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, दोनों के प्रभाव और प्रतिष्ठा का लेवल अलग अलग था। उसके अलावा इसकी मूल्यांकन करने की क्षमता भी उसके टीचर से कम नहीं थी। मैं देख सकता हूँ कि आपकी नज़र बहुत पारखी है, प्लीज़ मुझे मेरी पिछली बदतमीजी के लिए क्षमा करें। अपने झटके से उबरने के बाद बुजुर्ग ने हाथ जोड़े और कहा, मैं सुभाष वर्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ कहलाने के लायक नहीं हूँ, इसलिए बेझिझक आप मुझे भाई सुभाष बोलिए। सामने वाले की मूल्यांकन करने की क्षमता उनसे कम नहीं थी और इसके अलावा वह एक मास्टर टीचर भी था, इसलिए बुजुर्ग ने तुरंत विनीत से दोस्ती करने का विचार किया। सुभाष वर्मा, क्या आप अप्रेजर मास्टर के हॉल मास्टर सुभाष हैं? उस नाम को सुनकर प्रिंसेस ने एक्साइटेड होकर पूछा। किंगडम नेट की राजकुमारी और किताबों में घुसे के रहने के कारण वह टॉप प्रोफेशंस के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के भीतर के कई व्यवसायों के बारे में काफ़ी कुछ जानती थी। उसने सुना था कि अप्रेजर हॉल के हॉल मास्टर सुभाष नाम का एक व्यक्ति था और वह एक 4-स्टार एडवांस्ड अप्रेजर मास्टर थे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में अनगिनत चीज़ों का मूल्यांकन किया था और यह कहा गया था कि ऑर्गेनाइजेशन हेड रेसिडेंस ने उन्हें अपने सम्मानित मेहमानों में से एक के रूप में उन्हें होस्ट किया था। उसने सोचा था कि इस तरह के एक्सपर्ट से मिलना लगभग नामुमकिन होगा, लेकिन उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसके साथ विपिन घोटाला कर रहा है वही हॉल मास्टर सुभाष है। एक हॉल मास्टर की पोजीशन मेरे पुराने दोस्त की चापलूसी का नतीजा है, इसलिए यह ध्यान देने लायक नहीं है। पहचाने जाने पर मास्टर सुभाष ने एक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। तो आप ही हॉल मास्टर सुभाष हैं, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मेरे पास कुछ ऐसा है जिस पर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। सामने वाले की पहचान के बारे में जानने पर विनीत की आंखें चमक उठी और उसने कहा, मैंने सुना है नॉर्मना सिटी में एक सोललेस मेटल ह्यूमनाइड मिला है, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या यह खबर सच है, और अगर हाँ तो यह कहाँ पर मिलेगा? विनीत के नॉर्मना सिटी आने का मेन रीज़न ही यह था क्योंकि यह अप्रेजर हॉल के हॉल मास्टर थे, तो अगर खबर सच हुई तो उन्हें इसके बारे में ज़रूर पता होगा। सोललेस मेटल ह्यूमनाइड, भाई विनीत, शायद आप उसी के लिए यहाँ आए हैं। हॉल मास्टर सुभाष ने एहसास होने पर चुटकी ली। अफवाहें सच है और यह अभी अप्रेजर हॉल में है, नीलामी आज रात ही की जाएगी। आज रात? मुठियाँ कसकर एक साथ जकड़ लिया और परेशानी धीरे धीरे उसके चेहरे पर आ गई। जब तक ग्रुप नॉर्मना सिटी पहुँचा तब तक दोपहर हो चुकी थी और उन्होंने अप्रेजर हॉल में भी घूमने में काफ़ी समय बिता दिया था। अभी का समय देखते हुए शायद नीलामी थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली होगी। फिर भी इस समय उसके पास एक भी स्पिरिट स्टोन नहीं था। बिना पैसे के तो शायद उसे दरवाजे से ही भगा दिया जाएगा। किसी बड़ी नीलामी में अंदर जाने के लिए भी एंट्री फीस लेना एक नॉर्मल बात थी, ताकि जो सच में नीलामी में भाग लेना चाहते थे वह ही अंदर जा पाए। वरना अगर हर कोई ऐसे ही अंदर चला जाता तो यह नीलामी बाजार कम और मच्छी बाजार ज़्यादा लगता। हाँ, यह 2 घंटे में शुरू होने वाली है। अगर भाई विनीत आप नीलामी में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपके लिए एक सूट रिजर्व कर सकता हूँ, सुभाष ने कहा। इसके लिए भाई सुभाष आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अपने अंदर चल रही उथल पुथल में अपना सिर हिलाते हुए विनीत ने आगे कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि सोललेस मेटल ह्यूमनाइड खरीदने के लिए कितने स्पिरिट स्टोन की जरूरत होगी? विनीत पर्याप्त जानकारी के साथ ही पूरी तरह से तैयार रह सकता था। सोललेस मेटल ह्यूमनाइड कुछ ऐसा है जो सोल ओरेकल द्वारा छोड़ दिया गया है, इसलिए इसकी कीमत का अनुमान लगाना मुश्किल है। हमारे अप्रेजर हॉल ने इसकी कीमत 1500 स्पिरिट स्टोन रखी है, लेकिन नीलामी के माहौल को देखते हुए इसकी आखिरी कीमत कम से कम 3000 स्पिरिट स्टोन तक तो पहुँच जाएगी, सुभाष ने विनीत को मुस्कुराते हुए समझाया। क्यों क्या भाई विनीत, आप इस मामले में इंटरेस्टेड हैं? हाँ मैं हूँ, बस मेरे पास थोड़े पैसों की कमी है। विनीत ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। पैसे की कमी है? सुभाष ने चुटकी ली। इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास अपनी सेविंग्स है, इसलिए मैं इसमें से कुछ आपको उधार दे सकता हूँ ताकि आपकी कमी की भरपाई हो सके। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके पास कितने पैसों की कमी है? आप मुझे कुछ पैसे उधार देने के लिए तैयार हैं? बढ़िया, विनीत ने कृतज्ञता से मास्टर सुभाष की ओर देखा। मेरे पास अभी भी 3000 स्पिरिट स्टोन की कमी है, क्या आप मुझे उधार दे सकते हैं? ये सुनकर मास्टर सुभाष और मास्टर शेखर और बाकी सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। सोललेस मेटल ह्यूमनाइड को खरीदने के लिए 3000 स्पिरिट स्टोन काफ़ी होंगे, लेकिन आप इतना पैसा उधार मांग रहे हो, क्या इसका मतलब ये है कि आपके पास एक भी स्पिरिट स्टोन नहीं है? प्रिंसेस और चौटाला ने तो अपना सिर ही पीट लिया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि इसने हर बार कुछ खरीदने के लिए सोने के सिक्के देने की ही कोशिश क्यों की थी। उन्होंने सोचा कि शायद यह किसी एक्सपर्ट का सनकी अंदाज होगा, लेकिन बिना किसी पैसे के सोललेस मेटल ह्यूमनाइड खरीदने के लिए यहाँ आ गया, ये सोचकर ही वे बेहोश हो गए। मास्टर शेखर खांसने लगे। सामने वाले के शब्दों को सुनकर उनके सीने में तेज दर्द होने लगा। भाई विनीत, ये क्या, तुम्हारे पास एक भी स्पिरिट स्टोन नहीं है? हाँ सही बात है, बिना किसी झिझक के विनीत ने अपना सिर हिलाया। उसने केवल 10 या इतने ही स्पिरिट स्टोन के साथ शुरुआत की थी और उसने सफ़र के बीच में ही इसका इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए उसकी जेब इस समय पूरी तरह से खाली थी। भले ही उसके स्टोरेज रिंग में लगभग 100,00,000 सोने के सिक्के थे, लेकिन सोने के सिक्के वास्तव में यहाँ किसी भी काम के नहीं थे। एक मायने में यह कहना गलत नहीं होगा कि विनीत इस समय पूरा कंगाल था। ये सामने वाले का इतना साफ जवाब मिलने की उम्मीद मास्टर सुभाष को नहीं थी और उनका चेहरा लाल हो गया। सच तो यह है कि उन्होंने बस ऐसे ही सामने वाले को पैसे उधार देने की बात कह दी थी। आखिरकार विनीत की क्षमता को देखते हुए वह दोस्ती करने लायक व्यक्ति था, फिर भी सामने वाले ने इसे सच मान लिया और एक बार में 3000 स्पिरिट स्टोन मांग लिए। आखिर ये क्या हो रहा है? अप्रेजर हॉल के हॉल मास्टर होते हुए भी उनके पास इतना पैसा नहीं था। इसके अलावा उन्होंने 2000 स्पिरिट स्टोन खर्च कर दिए थे और उसमें से आत्मा शांत करने वाली घास भी उसे दे दी थी। अगर आप अमीरों का शोषण करना भी चाहते हैं तो आपको कम से कम थोड़ा संयम तो रखना चाहिए। आपके पास इतना पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या अप्रेजर हॉल में तेज़ी से पैसा कमाने का कोई तरीका है? सामने वाले के सड़े हुए एक्सप्रेशन को देखकर विनीत को तुरंत पता चल गया कि सामने वाले के पास ज़रूर इतने पैसे नहीं थे और उसने निराशा में अपना सिर हिला दिया। सच में वह भी केवल एक कोशिश कर रहा था, उसने वास्तव में नहीं सोचा था कि सामने वाला उससे इतनी बड़ी रकम उधार दे देगा। इसके अलावा उन दोनों की मुलाकात अभी हाल ही में हुई थी। यह अजीब होगा अगर कोई किसी अजनबी को इतनी बड़ी रकम उधार देने के लिए तैयार हो। तेजी से पैसे कमाने का एक तरीका? आप 2 घंटे बाद नीलामी में शामिल होने के लिए सोललेस मेटल ह्यूमनाइड खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे कमाना चाहते हैं? मास्टर सुभाष और भीड़ अपने बाल नोचने लगी। शायद इसे अच्छी तरह से पता था कि दिन में सपने कैसे देखते हैं।